हमारी ऑर्डर आने में टाइम है और भूख लगा हुआ बहुत भयानक, तो कब तक ऑर्डर आएगा? सो पीपल, जैसे कि आपको पता चल गया होगा ये लोकेशन देख के हम कहाँ पे हैं, तो यस पीपल, हम जेडी हाई स्ट्रीट मॉल पे हैं एंड ये उसका पूरा आउटर व्यू है एंड फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है एंड मैं आपको इसके अंदर का भी व्यू दूंगी। मैं ट्राई करूंगी कि मॉल के अंदर क्या कैसा मैं आपको एक व्यू दे सकूं, एक आइडिया दे सकूं। तो ये पूरा बाहर का सराउंडिंग एरिया है यहाँ कैपिटल पीपल। सो आज मैं आई हूँ जेडी हाई स्ट्रीट मॉल थोड़ा बहुत घूमने एंड मूवी देखने, तो मैं आपको यहाँ का एक आइडिया दे दूँगी। जो जो इस प्लेस में न्यू है उनको तो एक आइडिया मिल जाएगा एंड जो इस प्लेस में रहते हैं उनको भी। तो आज मैं आपको अपने साथ डे स्पेंड दिखाऊँ। पर ये पूरे इनसाइड के व्यू है एंड टोटल इसमें 7 फ्लोर्स है। तो ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है जिसमें सारे सेक्शंस हैं, यहाँ पे सारे सेक्शंस अलग है, बॉयज़ किड्स मेंस एंड ऑल। तो आपको मैं एक जल्दी सा व्यू दे रही हूँ ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए, जिनको नहीं पता उनके लिए, जिनको पता है वेल एंड गुड। एंड यहाँ भूत बंगला भी है, बहुत भयानक है मैंने सुना है। एंड ये 7 फ्लोर से ये बाहर का व्यू आप देखो कितना मतलब कितना प्यारा लग रहा है एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं जस्ट इन्जॉय कर रही थी। एंड देखो मैंने बाहर का जो लुक दिखाया था वो 7 फ्लोर से कुछ ऐसा दिखता है। तो बस ये था लुक एंड ये है पूरे मॉल के अंदर का इंटीरियर डेकोरेशन एंड लुक। तो सो पीपल, ये मूवी बहुत ही अच्छा था, आई रियली एन्जॉयड दिस मूवी। बट मुझे एंडिंग इसका कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि फ्रॉम माई कंसेप्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को इसका एंडिंग अच्छा नहीं लगा। आप जाके ये मूवी ज़रूर देखें एंड आई थिंक आपको भी अच्छा लगेगा एंड शायद कहीं ना कहीं मेरे जैसा फील हो कि एंडिंग इसकी ऐसी नहीं होनी चाहिए थे। सो एंजॉय। सो पीपल, आफ्टर वॉचिंग मूवी हम आए कुछ खाने के लिए व्हाटाबर्गर में। आई थिंक बहुत जो रांची में रहते हैं उनको पता होगा, तो फिर भी मैं आपको इनका एम्बियंस दिखा देती हूँ। फिर आफ्टर वॉचिंग मूवी हम आए कुछ खाने के लिए एंड आगे से मैं मिलती हूँ। मूवी अच्छी लगी बट भी अच्छी नहीं लगी, मुझे एंडिंग अच्छा नहीं लगा उसका एंड बस अब पेट पूजा और कोई काम नहीं पूजा, तो मिलते हैं खाने के बाद। हमारा मेनू ये रहे हम और हम चले अब ऑर्डर करने कुछ। सो पीपल, ये रहा वाटरबर्गर कैफ़े या रेस्टोरेंट जो भी बोलो, उसका पूरा इंटीरियर डेकोरेशन एंड मुझे बहुत प्यारा लगा, मतलब एक बहुत इनोवेटिव टाइप का था एंड डिफरेंट था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ का बर्गर चीपेस्ट एंड द बेस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू, आप जाओ एक बार ट्राई करो एंड मेरे को फिर बताना, बहुत अच्छा था, मेरे को बहुत पसंद आया। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का डे बहुत टायरिंग था एंड हम बहुत घूमे हैं, तो मूवी जो मुंबई सागर जो मूवी था वो अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंटरमीडिएट बहुत अच्छा था बट एंडिंग ना मुझे कुछ खास लगा नहीं, मुझे मतलब एंडिंग में मुझे दुख हो गया यार, ऐसा कौन करता है। आप देखना मैं क्यों आपकी मूवी डिस्ट्रॉय करूँ, आप देखना एंड मेरे को कमेंट करना कि मेरे से आपको भी फील हुआ कि नहीं कि मूवी की एंडिंग ख़राब थी। और अभी हम आए हुए वाटरबर्गर, मैंने जैसे बताया मेन्यू बहुत सस्ता था, मतलब मेन्यू पॉकेट फ्रेंडली था एंड anyone can afford it, मतलब ये student और pocket friendly था। तो I would request you to come and pay a visit over here and अगर आपके पास और कोई अच्छा suggestions है तो आप मेरे comment में drop करना and then I'll visit that place and please people जो मेरे channel पे नए हैं उनको बहुत सारा प्यार and warm hug and welcome back to my channel and order करते हैं। हमारी order आने में time है और भूख लगा हुआ बहुत भयानक, तो कब तक order आएगा? आपको भी क्यों ना थोड़ा बहुत मेरे साथ एंजॉयमेंट करके मैं आपको व्यूज दिखा देती हूँ, ताकि अगर आपको अच्छा लगे तो आप आके विजिट करना एंड अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप मेरे को कमेंट करना कि आपको कौन से प्लेसेस अच्छे हैं रांची में जो मैं विजिट कर सकती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाऊँ, हमारा खाना आ गया, मैं दिखाती हूँ क्या है। तो चलिए आप भी बेताब है, मुझे तो खाने का बेताबी है, बट चलिए फिर मैं आपको दिखा रही हूँ फिर मैं खाऊँगी। लगा है बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चले खाने आप देख लो, आप भी खा लो।